इस समरी को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, क्रिएटिव कौन होता है या क्रिएटिव लोग कौन होते हैं? मुझे बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन मिली जिस पर मुझे एक बड़ा गहरा यकीन भी है कि हर वो व्यक्ति जो अपने मन में थॉट क्रिएट कर सकता है वो क्रिएटिव है, और हर किसी के पास अपने पहले किए हुए विचार को बेहतर बनाने की एबिलिटी भी होती है, इसलिए वो इनोवेटिव भी है कि नहीं? नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है मैनेज योर डे टू डे, बिल्ड योर रूटीन, फाइंड योर फोकस एंड शार्पन योर क्रिएटिव माइंड, जिसे लिखा है जोसलिन के क्ली ने। तो सवाल यह है कि क्या आप टालमटोल की आदत को बंद करना चाहते हैं? क्या आप अपने स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप और ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं? क्योंकि हैं तो हमारे पास कहने को वही 24 घंटे, और अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये समरी आपके लिए ही है। इस समरी से आप सीखेंगे कि अपने टाइम और एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। इसमें आप अपने क्रिएटिव प्रोसेस को बढ़ाना सीखेंगे। आप अपने क्राफ्ट और पैशन को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट रूटीन सेट करना और बेस्ट आदतें डेवलप करना सीखेंगे। इस बुक की ऑथर जोसलिन के क्ली 99U की डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ है, जो एक अडोब रिसोर्स और इवेंट वेबसाइट है। ये क्रिएटिव लोगों को उनके क्राफ्ट में हेल्प करती है। वो अपने कोर्स, पॉडकास्ट, बुक्स और आर्टिकल से लोगों को क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और उनके मतलब सिखाती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, मैनेज योर डे टू डे बाय जोसलिन के क्ली। थॉमस एडिसन ने कहा था कि बीइंग जीनियस ओनली टेक्स 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन, यानी एक जीनियस बनने के लिए सिर्फ 1% प्रेरणा और 99% मेहनत चाहिए। इस दुनिया में ऊंची सोच रखने वाले कई लोग होते हैं। हो सकता है कि आपकी सोच या आपके आइडिया भी उनकी ही तरह हो, लेकिन कुछ ही आइडिया ऐसे होते हैं जिनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर आइडिया को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ऐसा क्या है जो आपके आइडिया को दुनिया को बदलने की ताकत दे सकता है? ऐसा क्या है जो आपको कामयाब बना सकता है? आइए कुछ फेमस क्रिएटिव लोगों और लीडर्स से इसके बारे में सीखते हैं। ये समरी उन लोगों के एडवाइस और आइडिया के बारे में है जिन लोगों को आप पसंद करते हैं। आइए जानते हैं इस दुनिया में हम क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। तो इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत होती है इस पहले चैप्टर से, एक असरदार रूटीन की तैयारी। बाउंड्री यानी सीमा के बारे में सब बात करते हैं। एक फिजिकल बाउंड्री का एग्जाम्पल है कि आपके पड़ोसी के लॉन और आपके लॉन के बीच का अंतर। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको भी एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी, पर कहां? ये बाउंड्री आपकी और आपकी दुनिया की डिमांड के बीच होनी चाहिए। अब आपको ये मजाक लग सकता है, आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और आपको कई सारे रोल निभाने पड़ते हैं। आपका जॉब एक ऐसा काम है जिस पर आपको लगातार फोकस रखना पड़ता है, लेकिन बड़े कामों में वक्त लगता है। उस नॉवल के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, उन आर्ट के बारे में सोचिए जो बहुत फेमस हैं और म्यूजियम में रखे जाते हैं, उन कंपनियों के बारे में सोचिए जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया है। इन सब चीजों में वक्त लगा है। जिन लोगों ने बड़ी बड़े मास्टरपीस को बनाया, उन्होंने वक्त लगाकर इन पर काम किया है। अपने काम के बारे में सोचकर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपको मीटिंग की तैयारी करनी पड़ती है, लोगों को कॉल करना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो आपको दूसरे लोगों की जरूरतों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और जब तक आप ये काम खत्म करते हैं तब तक आपके पास कोई एनर्जी बचती ही नहीं। आपके पास उन चीजों पर काम करने के लिए एनर्जी और वक्त नहीं बचता जिन पर आपको खुद के लिए काम करना होता है, इसलिए आप कभी भी कुछ कामयाबी से नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने लिए एक हेल्दी आदत बनाने की जरूरत है। आपको क्रिएटिव और रिएक्टिव दोनों ही तरह के काम के लिए वक्त तय करना चाहिए। क्रिएटिव काम पहले आना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप हर सुबह अपने नॉवल पर काम करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं। अपना ऊंची सोच रखने वाले कई लोग होते हैं। हो सकता है कि आपकी सोच या आपके आइडिया भी उनकी ही तरह हो, लेकिन कुछ ही आइडिया ऐसे होते हैं जिनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर आइडिया को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है।
ऐसा क्या है जो आपके आइडिया को दुनिया को बदलने की ताकत दे सकता है? ऐसा क्या है जो आपको कामयाब बना सकता है? आइए कुछ फेमस क्रिएटिव लोगों और लीडर्स से इसके बारे में सीखते हैं। ये समरी उन लोगों के एडवाइस और आइडिया के बारे में है जिन लोगों को आप पसंद करते हैं। आइए जानते हैं इस दुनिया में हम क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। तो इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत होती है इस पहले चैप्टर से, एक असरदार रूटीन की तैयारी। बाउंड्री यानी सीमा के बारे में सब बात करते हैं। एक फिजिकल बाउंड्री का एग्जांपल है कि आपके पड़ोसी के लॉन और आपके लॉन के बीच का अंतर। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको भी एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी, पर कहां? ये बाउंड्री आपकी और आपकी दुनिया की डिमांड के बीच होनी चाहिए। अब आपको ये मजाक लग सकता है, आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और आपको कई सारे रोल निभाने पड़ते हैं। आपका जॉब एक ऐसा काम है जिस पर आपको लगातार फोकस रखना पड़ता है, लेकिन बड़े कामों में वक्त लगता है। उस नॉवल के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, उन आर्ट के बारे में सोचिए जो बहुत फेमस है और म्यूजियम में रखे जाते हैं, उन कंपनियों के बारे में सोचिए जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया है। इन सब चीजों में वक्त लगा है। जिन लोगों ने बड़ी बड़े मास्टरपीस को बनाया, उन्होंने वक्त लगाकर इन पर काम किया है। अपने काम के बारे में सोचकर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपको मीटिंग की तैयारी करनी पड़ती है, लोगों को कॉल करना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो आपको दूसरे लोगों की जरूरतों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और जब तक आप ये काम खत्म करते हैं तब तक आपके पास कोई एनर्जी बचती ही नहीं। आपके पास उन चीजों पर काम करने के लिए एनर्जी और वक्त नहीं बचता जिन पर आपको खुद के लिए काम करना होता है, इसलिए आप कभी भी कुछ कामयाबी से नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने लिए एक हेल्दी आदत बनाने की जरूरत है। आपको क्रिएटिव और रिएक्टिव दोनों ही तरह के काम के लिए वक्त तय करना चाहिए। क्रिएटिव काम पहले आना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप हर सुबह अपने नॉवल पर काम करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं। अपना फोन और ईमेल को बंद कर दीजिए। दोपहर के वक्त आप अपना रिएक्टिव काम कर सकते हैं। रिएक्टिव काम वो होते हैं जो आपकी जॉब और दूसरी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। अपने शेड्यूल में कोई भी चेंज करना मुश्किल हो सकता है, ऑथर इस बात को मानते हैं। हमेशा कोई ना कोई उनके कॉल का इंतजार करता रहता है या फिर कोई उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ऑथर ने बाकी सब कामों को छोड़कर खुद को सबसे पहले अहमियत देने की कोशिश की। अगर आप दूसरे लोगों के प्रेशर के आगे झुकते रहेंगे तो आप खुद दुखी होंगे। इसमें बदलाव लाने के लिए आपको खुद को सबसे पहले रखना होगा, अहमियत देना होगा। बेशक कुछ वक्त के लिए लोगों को इग्नोर करने की आदत डालना सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी डेली रूटीन चाहिए तो आपको कई चीजें करने की जरूरत है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कामों की जिनसे आप अपने क्रिएटिव काम करने के लिए बेहतर सिचुएशन तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले अपने एनर्जी लेवल के रिदम से शुरू कीजिए। दिन के कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब आप मेंटल तौर पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये वो वक्त होता है जब आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इस वक्त को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या ये सुबह का वक्त है या दोपहर का? अपने क्रिएटिव कामों को करने के लिए इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, क्रिएटिव ट्रिगर को यूज कीजिए। जब भी आप क्रिएटिव काम करें तब आप एक ही तरह के टूल्स, माहौल और म्यूजिक को यूज करें। मशहूर राइटर स्टीफन किंग सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। वो बैठ जाते हैं और उनके पास हमेशा एक कप चाय का रखा होता है। उनके लिखने का सबसे अच्छा वक्त सुबह 8 से 8:30 के बीच का होता है। स्टीफन किंग हमेशा ही एक म्यूजिक बजाते हैं और वो हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठते हैं। तीसरा, अपनी टू डू लिस्ट यानी कि काम की लिस्ट को मैनेज कीजिए। एक दिन में आपको जो काम करना है उसे लिमिट में रखिए। सिर्फ वही काम कीजिए जो स्टिकी नोट के छोटे से कागज में फिट हो सकते हैं। अगर आप किसी काम को एक नोट में फिट नहीं कर सकते तो आप एक दिन में उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं? आपके पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से यूज कीजिए। चौथा, हर कमिटमेंट को नोट कीजिए। अपने आप से या दूसरे लोगों से किए गए हर कमिटमेंट को रिकॉर्ड करने की आदत डालिए। इस तरह आपको पता चलेगा कि आप दूसरों पर और खुद पर कितना वक्त लगाते हैं। यह आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज भी करेगा। पांचवा, अपने दिन में मजबूत पलों की पहचान कीजिए। अपना काम शुरू करने और खत्म करने के लिए एक वक्त सेट कीजिए। साथ ही दिन के कुछ वक्त अलग अलग चीजों को करने के लिए रखिए। एग्जाम्पल के लिए, आप सुबह 8 से 10 बजे तक क्रिएटिव काम कर सकते हैं और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपनी क्रिएटिव प्रैक्टिस को चमकाना। आपने नोटिस किया होगा कि आप जिन सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों को जानते हैं, वो लोग अपने रूटीन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। एक अच्छी डेली रूटीन आपको चीजों को पूरा करने में हेल्प करेगी, लेकिन रूटीन की खासियत ये है कि आपको उसे हर दिन करना होगा। अब ये मुश्किल पार्ट है और सबसे जरूरी भी है। आपको इसे रोज प्रैक्टिस करना होगा और इसे आदत बनाना होगा। अगर आप किसी खास तरीके से क्रिएटिव काम को करना पसंद करते हैं तो कीजिए। अगर आप सिर्फ किसी एक खास ब्रांड के पेन या पेंट को पसंद करते हैं तो उन्हें ही यूज कीजिए।
लेकिन ये आपकी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको अपने काम को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपका अपने क्राफ्ट पर काम करने का मन नहीं होता तो उस दौरान ही आपको उस पर काम करना चाहिए। ये पल जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ तभी करते हैं जब आपका मन करता है तो आप इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसे हर दिन करने के अलावा क्रिएटिव होने में सेल्स भी शामिल है। कुछ सेल करने की यानी बेचने की काबिलियत तभी आती है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिनके लिए आप पैशनेट हैं, जिनके लिए आप में जुनून भरा है। और आप शायद ये सुनकर डर जाते होंगे क्योंकि कुछ बेचने का मतलब है लोगों की ना सुनना, उनके इनकार को झेलना। लेकिन अगर आपके लिए क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट है तो आपको अपने क्रिएटिव मास्टरपीस आर्ट को बेचना सीखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, उनकी बनाई हुई बहुत सी चीजें पॉपुलर होती हैं, लेकिन उन्हें लोगों का ध्यान खींचने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि वे लोग अपने मास्टरपीस को बेचना नहीं चाहते। क्रिएटिव काम से जुड़े इस पार्ट को वे करना नहीं चाहते। अगर आप प्रैक्टिस और सेल भी करते रहेंगे तब भी आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको कभी नहीं रुकना चाहिए। आप मायूस हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पहली शॉर्ट फिल्म सक्सेसफुल रही और बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स ने आपके काम की तारीफ की, इसके लिए आपको काफी सारे पैसे भी मिले। ये सपोर्ट पाकर आप एक और फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। आप इस फिल्म को थोड़ा लंबा और महंगा बनाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आप कहानी के बारे में वक्त लगाकर सोचते हैं आपको मेंटल ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। इसे सेल्फ सैबोटेज कहते हैं, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। इसमें आप अपनी ही सक्सेस का मौका खत्म कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको डर है कि आपको एक धोखेबाज समझा जाएगा। फिल्म बनाने का मतलब होगा ये जताना कि आप अपने काम को लेकर प्राउड फील करते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, ये दुनिया के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको इससे डर लगता है क्योंकि अब आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको फिल्मों और पूरी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। इससे आप पर बहुत प्रेशर पड़ सकता है। इस तरह ये सेल्फ सबोटेज है। इसमें आप खुद को नहीं बल्कि दूसरों को दोष देने लगते हैं। इससे कम से कम आपको बेहतर महसूस होगा बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आप एक बेहतर फिल्म बना सकते थे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे हुनर की लिस्ट में से मल्टीटास्किंग को हटाना। क्रिएटिव माइंड होने के बहुत सारे फायदे हैं। आप किसी भी बोरिंग चीज से कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप कुछ अलग सोचने के लिए रेडी हैं। हालांकि क्रिएटिव सोच वालों का दिमाग आसानी से भटक जाता है, इसीलिए उनके लिए चीजों को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। आज सोसाइटी मल्टीटास्किंग को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। हर कोई एक ही वक्त में कई सारे काम करता है। अब ऑटोमेटिक आदतों के लिए मल्टीटास्किंग ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि चलते चलते आप पक्का करते हैं कि आप किसी भी चीज से ठोकर ना खा लें, लेकिन जब उन जरूरी कामों की बात आती है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है तो वो मल्टीटास्किंग नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मूवी देखते हुए अपना असाइनमेंट करना, असल में आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते हैं, तब आप बस अपने काम के बीच में स्विच कर रहे होते हैं। इसका मतलब है अपने काम के बीच आगे पीछे करना। आप एक काम करते हैं, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट काम पर वापस जाते हैं। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर असल में आप सिर्फ कम स्किल से और कम एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। जब आप एक से ज्यादा कामों के बीच स्विच करते हैं तो आपके आउटपुट की क्वालिटी खराब हो जाती है। साथ ही अगर आप दो या दो से ज्यादा काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो आपके काम को खत्म होने में ज्यादा वक्त लगता है। इसीलिए एक वक्त में सिर्फ एक ही काम को खत्म करने की जिम्मेदारी लीजिए। और याद रखिए कि सिर्फ मल्टीटास्किंग ही आपको प्रोडक्टिव होने से नहीं रोक रही है। बैकग्राउंड में कुछ ऐसी बातें चलती हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं, जैसे कि आपके सोशल मीडिया ऐप से एक नोटिफिकेशन अलर्ट आना। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ उस एक वीडियो को देखेंगे जो आपके किसी फ्रेंड ने आपको भेजा है, लेकिन फिर आप एक और वीडियो देखते हैं, फिर एक और। जब तक आपको इस बात का एहसास होता है तब तक आपका ध्यान भटक चुका होता है और तब तक आप दिन के 3 घंटे बर्बाद कर चुके होते हैं। ये बात तो क्लियर है कि इस तरह से ध्यान भटकने से ये आपको कम प्रोडक्टिव बना सकते हैं, लेकिन इन ऐप्स पर ध्यान देने से एक और बात होती है। आपको अपने फ्लो में वापस जाने के लिए, अपने काम को फिर से जारी रखने के लिए काफी वक्त लगता है। असल में इस तरह से आपको प्रोडक्टिव होने में पहले से भी ज्यादा वक्त लगता है। यहां तक कि सोशल मीडिया के लिए खुद को रोकने में भी आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। अपना ध्यान भटकने न देने में भी ज्यादा मेंटल कोशिश की जरूरत पड़ती है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे अच्छा होगा उस वजह को ही हटाना जिनसे आपका ध्यान भटकता हो। अपना वाईफाई बंद कर दीजिए या ऐसी जगह जाइए जहां कोई सिग्नल ना हो। ये शायद ज्यादा लगे, लेकिन बहुत सारे क्रिएटिव लोग ऐसा करते हैं। वर्चुअल दुनिया से अलग होने से उन्हें वो सब कुछ करने में मदद मिलती है जो वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट है उथल पुथल के बीच किसी भी चीज को बनाना सीखना। क्रिएटिव बनना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बड़े क्रिएटिव लोगों को ही अपने क्राफ्ट पर ध्यान देने का मौका मिलता है। उनके पास शानदार जिंदगी जीने के लिए रॉयल्टी और स्पॉन्सर्स होते हैं। बाकी के दूसरे क्रिएटिव लोग इतने लकी नहीं होते।
कई म्यूजिशियंस के साइड जॉब होते हैं, कुछ पोएट और ऑथर दिन में प्रोफेसर होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स बीच में एक्स्ट्रा जॉब करते हैं। ये दुनिया मुश्किलों से भरी है, आपको अपने सभी कामों को बैलेंस करना होगा। जब आप कुछ क्रिएट करने की या बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको अपना फोकस हटने नहीं देना चाहिए। इस तरह आपको ये सीखने की जरूरत है कि इस उथल पुथल भरी दुनिया के बीच रहकर भी आप चीजों को कैसे बना सकते हैं। आपने नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन के बारे में जाना जो आपका ध्यान भटकाते हैं, जैसे कि लाउड म्यूजिक या टीवी की आवाज जो कभी बजना बंद नहीं करते। आपके फोन पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपको गपशप में उलझाते रहते हैं। आपके अंदर भी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन है, जैसे ही आप कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको स्ट्रेस होने लगता है, आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो आपको इस उथल पुथल वाली दुनिया में कुछ बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपको नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से निपटने में भी हेल्प कर सकते हैं। एक फेमस स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन के असर को सपोर्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को मार्शमेलो खाने के लिए दो ऑप्शंस दिए गए, वो इसे फौरन खा सकते थे या वे कुछ मिनट तक वेट कर सकते थे। अगर वे कुछ मिनट तक वेट करते हैं तो उन्हें एक के बजाय दो मार्शमेलो मिलेंगे। जिन बच्चों ने इंतजार किया उन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक को अपनाया। उन्होंने कुछ गाने गाए या मेज पर पैर मारे, उन्होंने खुद का ध्यान भटकाया ताकि उन्हें दो मार्शमेलो मिल सके। अपने लिए पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन को आप टाइमर सेट करके भी यूज कर सकते हैं और टाइमर खत्म होने के पहले किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इसे कामयाबी से करते हैं तो आप खुद को इनाम भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अपनी आंखों को आराम देने के लिए आप 5 मिनट दे सकते हैं, या आप अपने अच्छे काम के बाद एक केक का पीस खा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉय पॉमिस्टर के हिसाब से ये सब सेल्फ कंट्रोल है। इसी की वजह से कुछ लोग अपना फोकस रख सकते हैं और कुछ नहीं। सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है, हुनर है, और सभी स्किल की तरह ही आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये बेहतर होता जाता है। लेकिन अपने सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रांग बनाने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप से इसकी शुरुआत कीजिए। अपनी एक आसान मगर अलग सी आदत को डेवलप कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, आप ये कहने के बजाय यस कहने की आदत बनाइए, या फिर आधा घंटा जल्दी सोने की आदत डालिए। ये छोटी और अलग आदतें वक्त के साथ धीरे धीरे आपकी विल पावर बनाएगी। अब जब आपको किसी काम को करने के लिए ज्यादा विल पावर की जरूरत पड़ेगी तो अब इसे करना आसान हो जाएगा। ये तब भी हेल्प करता है जब आपको दिमाग लगाने के माइंड गेम्स में कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यह आपको ज्यादा क्लियरली सोचने में हेल्प करेगा। लंबे प्लॉट वाले ऑडियो बुक भी आपका ध्यान बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेल्दी आदत रखते हैं तब भी ये आपको हेल्प करेगा, जैसे कि पूरी नींद लेना और आराम करना। इनसे आपका ध्यान और फोकस बढ़ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर के सामने ध्यान से बैठना। आपकी लाइफ पर टेक्नोलॉजी ने कब्जा कर लिया है, ये बात कड़वी है मगर सच है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं आप अपने फोन की तरफ मुड़ते हैं। जब आप बस या ट्रेन का वेट करते हैं तो आपकी आंखें फोन के स्क्रीन पर लगी होती हैं। जब आपके पास कुछ करने को नहीं हो तो आप लगातार अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। आजकल हर कोई किसी न किसी स्क्रीन से चिपका रहता है, चाहे फिर वो टीवी की हो, कंप्यूटर की हो या फोन की हो। हो सकता है कि आपको इस बात की चिंता ना हो, आपको लगता है कि वैसे भी हर कोई यही कर रहा है, लेकिन स्क्रीन पर टाइम बिताने पर एक रिसर्च की गई है और ये रिसर्च आपको अपने फोन पर बहुत ज्यादा टाइम बिताने से मना करती है। इस रिसर्च का रिजल्ट ये है कि एक एवरेज शख्स एक दिन में 6 घंटे टीवी देखता है, यानी स्क्रीन देखता है। जो लोग टीवी देखते हैं उनकी उम्र टीवी न देखने वालों की तुलना में कम होती है। दरअसल जो लोग टीवी नहीं देखते वो 4.8 यानी कि 4.8 ईयर साल ज्यादा जीते हैं। इसके पीछे की वजह है कम हिलने डुलने वाली जिंदगी। कम हिलने डुलने की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। किसी भी तरह का मूवमेंट न होना एक खराब लाइफस्टाइल है। इसके अलावा स्क्रीन एपनिया नाम की एक कंडीशन भी होती है जो एक शख्स को अपने फोन या कंप्यूटर पर ज्यादा वक्त बिताने से होने वाले क्रोनिक स्ट्रेस से होता है। स्क्रीन एपनिया छोटी छोटी सांस लेना है, क्योंकि आप घंटों स्क्रीन पर घूरते रहते हैं। खराब बॉडी के पॉस्चर से स्क्रीन एपनिया और भी बिगड़ जाता है। जब आपका पॉस्चर बिगड़ता है तो आपकी सांसें भी छोटी होती हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर डेविस एंडरसन और डॉक्टर मार्गरेट चेसनी के पास इसका जवाब है। ऐसे में हमारी बॉडी ज्यादा एसिडिक बन जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा छोटी सांस लेने से आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपकी बॉडी भागने के लिए तैयार हो जाती है। कोई खतरा होने पर आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, लेकिन जब ये बॉडी भागने की सारी तैयारी को यूज नहीं करती तो हम ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। एक शख्स क्या कंज्यूम करेगा? स्क्रीन टाइम। आप अपने फोन या लैपटॉप को लगातार यूज करते रहेंगे,
नए मैसेज और नोटिफिकेशन देखने के लिए आप लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? स्क्रीन अपनिया को दूर करने के लिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डायफ्राम से सांस लेने से आपके शरीर को आराम मिलता है, यह आपके बॉडी को शांत करने में मदद करता है। डायफ्राम ब्रीदिंग का मतलब है गहरी और धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। जब आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो आपको अपनी सांस और पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए। इससे आपको साफ और क्लियरली सोचने में हेल्प मिलेगी। इससे आपको अपने जिम्मे के काम पर ज्यादा फोकस रखने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर है खुद के लिए बनाना। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट क्रिएटिव काम करने वाले अक्सर बात करते हैं अननेसेसरी क्रिएशन की। जूलिया कैमरून ने द आर्टिस्ट वे नाम की अपनी बुक में भी इसके बारे में बात की है। अननेसेसरी क्रिएशन तब होता है जब आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए अपने सुबह का एक हिस्सा डेडिकेट करते हैं। जूलिया के लिए अननेसेसरी क्रिएशन है दिमाग में आने वाली हर चीज को 3 पेज में लिखना। वो जो भी लिखती है उसमें कोई मतलब नहीं होता, और उन सबके बीच आपस में कोई कनेक्शन हो ये भी जरूरी नहीं है। अननेसेसरी क्रिएशन है आपके क्रिएटिविटी को बिना रोक टोक काम करने देना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या मूर्ति बना रहे हैं, या इन सबसे आपको पैसा मिल रहा है या नहीं। कई क्रिएटिव लोगों के लिए अननेसेसरी क्रिएशन बहुत ही जरूरी होता है। यह आपके वक्त की बर्बादी नहीं है। असल में इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहले तो यह आपको आपकी नई पॉसिबिलिटीज पता लगाने की आजादी देता है। कई क्रिएटिव लोग जो जॉब करते हैं उन्हें मायूसी होती है। हाँ, वे वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी क्रिएटिविटी उनके बॉस या कस्टमर्स की वजह से लिमिटेड रह जाती है। वे किसी भी प्रोजेक्ट में खुद की डिजाइन डालने के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया जाता है। अडोब ने 2021 यानी कि पिछले साल में एक सर्वे किया, जिससे ये पता चला कि अमेरिका और जापान जैसी जगहों में 75% काम करने वालों ने महसूस किया है कि वे अपनी बेस्ट क्रिएटिव काबिलियत के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनके जैसे मत बनिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लीजिए जो कि आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट में न रखें। ये वक्त की बर्बादी की तरह लग सकता है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि आपने ऐसा कर ठीक किया है, क्योंकि ये आपको बिना किसी चिंता के क्रिएटिव काम को करने देता है। दूसरा, अननेसेसरी क्रिएशन आपको रिस्क लेने और नए स्किल को बढ़ावा देने का मौका देता है। क्रिएटिव काम के लिए इंस्पिरेशन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी जॉब है जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है, तब भी आप धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही मेथड और टेक्निक को बार बार यूज करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपसे एक जैसे रिजल्ट की उम्मीद रखी जाती है। जब आप अपने अननेसेसरी क्रिएशन में हो तो एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत रखिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी और भी बढ़ जाएगी, आप खुद को फ्री होकर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तीसरा, अननेसेसरी क्रिएशन आपको याद दिलाता है कि आप जो भी बनाते हैं वो आपकी पहचान नहीं है। आपको आउटपुट की पहचान नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे आर्टिस्ट हैं। सोसाइटी आर्टिस्ट पर हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने का प्रेशर डालती है, लेकिन एक मास्टरपीस बनाने में वक्त लगता है। अननेसेसरी क्रिएशन आपको गलती करने का मौका देती है। ये आप पर कुछ बड़ा और अच्छा बनाने के लिए प्रेशर नहीं डालता है। आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी जाती जिसे आपको पूरा करना है। ये आपके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का मौका है। ये मौका है खुद के स्टाइल के आर्ट को ढूंढ निकालने का, वो स्टाइल जो आपका हो। और अब कंक्लूजन यानी कि सार। सबसे पहले आपने सीखा कि कैसे क्रिएटिव लोग सोसाइटी में अपने रोल को बैलेंस करके चलते हैं। एक क्रिएटिव शख्स होने का मतलब है ये जानना कि हर दिन का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। दूसरा, आपने सीखा कि अपनी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस कैसे देनी है। इसके लिए आपको वक्त निकालना चाहिए, खासकर जब आपकी एनर्जी का लेवल मैक्सिमम हो। क्रिएटिव ट्रिगर का यूज कीजिए, जैसे कि एक ही म्यूजिक को यूज करना या क्रिएटिव काम करते वक्त एक ही चेयर पर बैठना। तीसरा, आपने सीखा कि आपके डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिव रूटीन होना बहुत ही जरूरी है। जब भी आपको लगे कि कुछ बनाना बंद करना है तो उस वक्त खुद को पुश कर उस काम को पूरा करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे पल जब आपका मन कुछ बनाने का नहीं करता है लेकिन फिर भी आप बनाते हैं, वो बहुत खास होते हैं। चौथा, आपने सीखा कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव या फायदेमंद नहीं है। असल में ये आपके लिए बुरा है, इसलिए अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उन पर एक साथ काम मत कीजिए। इसके बजाय एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस रखिए। पांचवा, आपने अननेसेसरी क्रिएशन के बारे में सीखा। अननेसेसरी क्रिएशन आपके लिए अपने जुनून, अपने पैशन को फ्री होकर प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। ये आपके लिए एक क्रिएटिव शख्स के तौर पर आगे बढ़ने का मौका है। एक क्रिएटिव शख्स की लाइफ कभी आसान नहीं होती। अपने आउटपुट को क्रिएटिव और सुंदर बनाने का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपने जो कुछ इस समरी से सीखा उससे आप अपने स्ट्रगल को एंजॉय कर पाएंगे। आपको एहसास होगा कि आप जिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं आप उसके काबिल थे।
आपके पास भी लोगों को सुनाने के लिए एक कहानी होगी, इसीलिए अपने आप को मत रोकिए और कोशिश करते रहिए। और जल्दी से हमें ये बताइए कि इस समरी में कौन सा वो पॉइंट है जिसने आपको सबसे ज्यादा टच किया, जिसकी आपको प्रैक्टिस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यूं तो सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो बहुत टच कर जाता है। आपके लिए वो पॉइंट कौन सा था? मेरे लिए अननेसेसरी क्रिएशन वाला। मुझे लगता है कि इसे प्रैक्टिस करने से न केवल वेस्ट बाहर आएगा बल्कि कुछ अच्छा छिपा हुआ भी बाहर आएगा, जो पहले तो अनऑर्गेनाइज होगा लेकिन बाद में उसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। इस वादे के साथ अभी लेता हूं इजाजत। रखिए अपना बेहतर ख्याल।